हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल दैट क्रिएटिव गर्ल। और आज की वीडियो में मैं आपको तीन सिंपल डीआईवाई बताने वाली हूँ जो मैंने अपने रूम के लिए बनाया है। एंड इट्स वेरी सिंपल, वेरी इजी, एनीवन कैन मेक इट। और मैंने क्या किया है, अपने पुराने कपड़ों को निकाला, उनमें से जिसका प्रिंट मुझे अच्छा लगा उसको रखा और उसको कट करके मैंने ये डीआईवाई बनाया है। ऑल्सो अगर आपके पास ऊन है यानी कि यान है तो आप उसकी हेल्प से एक और DIY मैंने जो बताया है वो आप बना सकते हो। इट्स वेरी सिंपल, एनीवन कैन मेक इट। बट आपके रूम में जो व्यू आता है उसको लगाने के बाद वो बहुत बहुत खूबसूरत आता है। ऑल्सो जो मुझे DIY का ये आइडिया आया है वो पिंटरेस्ट इंस्पायर्ड है, तो पिंटरेस्ट से देख करके मैंने ये बनाया। इट्स वेरी सिंपल, नाउ लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो मैंने यहाँ पे एक कुर्ती ली हुई है और उसको कट कर लिया है पीस में। नीचे का पार्ट मैंने यूज़ किया बिकॉज यहाँ पे लेस लगी हुई थी। अब मैं एडहेसिव की हेल्प से इसको इवन करूँगी, यानी कि जो कॉर्नर जो इवन नहीं है उसको एडहेसिव लगा करके इस तरह से फोल्ड करूँगी जिससे कि वो फ्रंट से इवन दिखे। अब मैंने यहाँ पर लिया हुआ है एक सीक और उसको मैंने लगा दिया। मैंने नीचे के दोनों कॉर्नर्स को कट किया। मैं इस पर गोल्डन कलर का लेस पेस कर रही हूँ। आप चाहो तो उसको ऐसे ही रहने दे सकते हो पॉम्पम लगा के, और चाहो तो इस तरह से आप लेस लगा सकते हो। ये लेस भी आपको कपड़ों से ही मिल जाएगा बहुत इजीली। अब मैंने यहाँ पे इसको लेस को प्लेस कर दिया है और एक शेप दे दिया है। आप चाहो तो उसको स्क्वायर भी रख सकते हो, बट मुझे ये ऐसे ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अब मैं यहाँ पे यान की हेल्प से ये लूप बना रही हूँ जिससे कि मैं इसको वॉल पे हैंग कर सकूँ। और दोनों साइड से मैंने इसको टाइटली बंद कर दिया है। और जितना आपको चाहिए आप उतना बड़ा लूप रख सकते हो, मैंने छोटा ही रखा है यहाँ पे। दूसरे DIY के लिए मैंने कुर्ती को कट किया है। नीचे ऑलरेडी लेस मिल गई थी, ये चिकन वाली कुर्ती को मैंने यूज़ किया है। सिमिलरली मैं यहाँ पे एडहेसिव लगा करके इसको फोल्ड कर रही हूँ, और ग्लू बहुत अच्छे से वर्क नहीं कर रहा था तो मुझे थोड़ा सा हॉट ग्लू यूज़ करना पड़ा यहाँ पे। और इसके बाद मैंने यहाँ पे ये सीख ले ली है और इसके बाद मैं अब इसको फोल्ड करूँगी जैसे कि मैंने पहले वाले DIY में आपको दिखाया था। और वो सीख मुझे थोड़ी सी छोटी पड़ रही थी तो मैंने ये बड़ी सीख ली, और इस तरह से एडहेसिव लगा के फोल्ड कर दूंगी मैं। अब यहाँ मैंने लिया है यान और यान को मैंने ऐसे रोल करके हाथ की हेल्प से बीच से बांध दिया है। अब मैं इसको सीजर से कर दूंगी कट और हमारा पॉम्पम हो जाएगा रेडी। इट्स वेरी सिंपल एंड बहुत ही क्यूट लगता है। इस तरह से आप ऐसे कट करो सीजर से एंड इट लुक्स रियली रियली गुड। दो पॉम्पम मैंने बना लिया है और इसको प्लेस कर दिया है दोनों साइड पे, और बहुत ही सुंदर लग रहा है। ग्लू की हेल्प से अगेन मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करूँगी। आप चाहे तो बहुत सारे पॉम्पम बना करके यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। मैंने यहाँ पे दो ही लगाया और मैंने थीम से मिलता जुलता पॉम्पम यहाँ पे यूज़ किया है। पॉम्पम से जो है वो पूरा जो लुक है ना वो इन्हेंस हो जाता है इसका एंड इट लुक्स गुड। अब मैं यान की हेल्प से अगेन इसका लूप बना रही हूँ, और इस बार मैंने लूप को देखिए बड़ा रखा हुआ है क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि इसको बड़ा वाला हैंग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, बिकॉज स्क्वायर में आप हमेशा देखना बड़े लूप ज़्यादा अच्छे लगते हैं एंड इट लुक्स लाइक दिस ऑन माय वॉल। ओके, थर्ड DIY के लिए मैंने इस तरह से पॉम्पम बना लिया है। सारे पॉम्पम को मैं इस डंडे में हैंग करूँगी। आपको हाइट का ध्यान रखना है और इसके साथ आप कोई भी कलर कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे येलो यूज़ किया है। इट्स वेरी सिंपल, बस आपको हाइट का ध्यान रखना होता है। तो एक टिप है, इसको आप हैंग करके ही बनाओ तो ज़्यादा अच्छे से बन जाता है ये। आई होप आप लोगों को ये DIY पसंद आया। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में।